हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम दोनों बिल्कुल ठीक नहीं हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं हम। आप लोग सुलेखा जी की तरफ देखिए दोस्तों, अचानक ही इनकी तबीयत ख़राब हो गई आज रात में, और पता नहीं एकदम से पता है। और इनकी एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों, एक दो साल बाद ये प्रॉब्लम होती है इनको। और जैसे कि इनको पता है, यहाँ से दर्द होने लगता है कमर से लेकर इधर पैर तक, यहाँ पर एकदम अंदर ही अंदर जैसे सुई जैसी चलती है ना सभी। हाँ, तो दोस्तों मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया और हर बहुत जगह मैंने दिखाया, तो उसमें कोई कमी ना कोई प्रॉब्लम बताई है। और लेकिन फिर मैं एक जगह गया था, तो वहाँ पर मैंने दवाई ली थी जो पुराने डॉक्टर थे, तो वहाँ पर इनको आराम हो गया। वहाँ से आराम होकर आज पूरा 1.5 साल हो गया, उसके बाद ये प्रॉब्लम फिर दोबारा से बन गई इनको। तो दोस्तों आज हम वहीं पर जाएंगे जहाँ पर इनको आराम मिला था। आज हम पूरी रात, पता है, हम दोनों बिल्कुल सो नहीं पाए क्योंकि इनकी पूरी रात दर्द होता रहा ना इनके पैर में, पूरे एक तरफ, एक जो दाएं तरफ वाला पैर है उसमें बहुत तेज़ी में दर्द हो रहा था रात में। तो दोस्तों हम दोनों सो नहीं पाए बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे, और अभी भी इनके दर्द हो रहा। अभी हम टेबलेट ले आए थे जो दर्द वाली, थोड़ी दर्द में राहत मिल जाए और थोड़ी बस आराम मिल जाएगी, तुरंत हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास जहाँ पर इनको आराम मिला था। तो दोस्तों इटावा भी एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी मैंने 1 महीने इलाज इनका चला, वहाँ पर मैंने 1 महीने लगातार दवा ली, थोड़ा सा हाल फिलहाल में वहाँ पर आराम मिल गया था, लेकिन फिर वैसा ही इनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन बाद में मैं, बहुत ही पुराने डॉक्टर हैं, ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन उनके पास गए तो वहाँ पर आराम मिल गई। आज 1.5 साल बाद फिर ये प्रॉब्लम इनको आज फिर हो गई है, तो हम वहीं पर आज दोनों जाएंगे दोस्तों। फ्रेंड, रात में तो बहुत ही ज़्यादा इनको दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी, और घर पर कोई ऐसे कोई दवा का साधन भी नहीं था जो रात को इनको खिला देते, थोड़ा आराम मिल जाता। पूरा रात ऐसे ही चिल्लाते पूरा निकल गया दोस्तों। जैसे सुबह भाई, तुरंत हम दवा लेके आए, अब थोड़ा आराम है लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा आराम है। तो दोस्तों सुलेखा तैयार हो गई है। सुलेखा, अभी भी उतना ही दर्द हो रहा है? हैं, एक ही तरफ हो रहा है? कहाँ से कहाँ से? अच्छा, पैर तक, नीचे तक होता है। तो दोस्तों अभी हमने वो टैबलेट खवा दी थी ना जो दर्द वाली, तो उसी से थोड़ी राहत मिल गई है। तो चलो सुलेखा, आप चलते। देखो दरअस ऊधम ना करियो, ठीक है? मम्मी दवा लेने जा रहे, आओ। हाँ ना, ऊधम करो, ठीक? अम्मा आए जी, अम्मा देखें, मम्मी ने देखियो, ठीक है जी? ना बहरा ना करिया, हेलमेट कहाँ हुआ? तो सुलेखा के दोस्तों प्यास लग गया, यहाँ नल लगा हुआ है, अच्छी छहरी है यहाँ। आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसलिए देखो रास्ते में प्यास लग गया, यहाँ नल भी लगा मिल गया अच्छी, और देखो ऊपर आम लगे हुए हैं पेड़ पर। और दोस्तों अभी यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर है। दोस्तों हम डॉक्टर साहब के पास में आ चुके हैं, और बहुत ही पुराने डॉक्टर साहब हैं और अच्छी दवा देते हैं, तो यहीं पर आराम मिलता है सुलेखा जी को। 1.5 साल बाद दोस्तों हम आ गए हैं डॉक्टर साहब के घर, उनकी दुकान है जहाँ पर। हम यहाँ दवा लेने आए, यहाँ सभी लोग जाने पहचाने मिल गए हैं भैया, और इनके पापा जी हैं वो जो दवा देते हैं।
देखो और इधर भैया रहिए, देखो भैया आपकी हमारी वीडियो देखते हो ना। फ्रेंड अभी ये पहली फोटो लगी है और एक और लगे लगभग में 2-3 घंटे लगे। जी जहाँ जगह आप होते हैं इनमें जा तरफ जा तरफ है। अब की बार आप ऐसी दवा दे दी हो जो बार बार ना आन पड़े हमें, इनकी मर्ज बिल्कुल जड़ से कट जाए। मुझे हमें पता है आपके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जब तक फिट होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम? अब आराम है तुम्हें? चलो अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप जैसे 11 दिन आप 10 दिन बाद बुलाओ आप ना, तब आ जाए ठीक है। लेखा कितनी दवाई दे रही तुम्हें देखे? चलो आप सही हो जाइयो, कोई टेंशन नहीं, बता रही डॉक्टर साहब ने सही हो जाए। दोस्तों अब हम निकल रहे हैं घर, हम दोनों लोग घर आ चुके हैं। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है तो सुलेखा आप टेंशन नहीं लेना, अब आप सही हो जाओगे बिल्कुल, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रात में तो बहुत जोर जोर से रो रही थी कि अब हम मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे, दर्द हो रहा था ना, इसलिए अब आराम है ना। देखो दोस्तों पता है ये मुस्कान देखने के लिए कल शाम 9 बजे से इनकी कोई इनके चेहरे पर इतने मैंने सब कुछ किया इनको हंसाने के लिए, लेकिन जब शरीर में ना प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों कुछ भी करो कोई हंसी मुस्कुराहट नहीं आ सकती है, क्योंकि जब शरीर में कोई प्रॉब्लम हो ना तो कुछ भी करो, कुछ भी कितना भी कॉमेडी चाहे फनी कुछ भी करो फिलहाल में, लेकिन बस प्रॉब्लम पर ध्यान रहेगा तो कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। लेकिन अब सुलेखा के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आ रही है तो मेरे चेहरे पर भी आ गई। दोस्तों पता है जब ये बीमार हो जाती ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं कैसा लगता है, जब तक ये चेहरा एकदम हंसता मुस्कुराता ना देखे तब तक बिल्कुल सुकून नहीं मिलता है सच में। तो अब सुलेखा आप दवाई लेकर टाइम से खाना पता है, और डॉक्टर साहब ने क्या क्या परहेज बताया पता है तुम्हें? हाँ अब दवाई टाइम से खानी है सुबह शाम, और एक भी दिन गैप नहीं करना है, और जो प्रॉब्लम है आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी ठीक। और लेकिन परहेज करना है पता है, चावल नहीं खाना है, आपके फेवरेट चावल उनको छोड़ना है जब तक आपकी दवा है ना 10-15 दिन की जो जितने भी दिन की है, उसके बाद आप कुछ भी खाओ कोई टेंशन नहीं है, सही हो जाओगे तो फिर कुछ भी खाओ, हर चीज़ खा सकते हो। सबसे ज़्यादा पता है ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पियोगी। अपनी आवाज़ सुना दो इस वीडियो में, पता है आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, हमारे दोस्त भी आपकी आवाज़ सुन लें, सुना दो आप।
हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। दोस्तों शाम से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसलिए थोड़ी परेशान भी है और बहुत ज़्यादा एकदम घबराहट भी हो रही थी शाम को। बहुत ज़्यादा पैरों से चल भी नहीं पा रहा। एक परहेज आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है पता है? ठंडा ठंडा की तरफ देखना भी मत, चाहे कोई कितना भी क्यों ना कहे कि ठंडा पी लो। पता है ठंडा से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपकी जो हुई है ना, वो ठंडा की वजह से हुई है। ये देखो मेरा बेटा, यस खाना खा रहा है और आज अपने मन से ही खाना रख लाया है, क्योंकि वैसे तो इनकी मम्मी हमेशा इनकी देखभाल करती है, लेकिन आज मम्मी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ है तो इसीलिए मेरा बेटा खुद अपने हाथों से खाना रख लाया और खाने लगा है। और दरस कहाँ है? अच्छा अच्छा मम्मी, तो फ्रेंड चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा हम दोनों का जब सुलेखा को थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, और आराम तो अभी है मुझे लग रहा है। कुछ ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी खास ही थी, क्योंकि जब सुलेखा चिल्ला रही थी उनको दर्द हो रहा, तो मुझे तो लगा पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।